दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार रात ऐलान किया कि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस सीजन में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वैज्ञानिकों ने अगले 2 हफ्ते में प्रदूषण और बढ़ने का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। दिल्ली नगर निगम ने एक अलग आदेश में कहा कि उनके स्कूलों में कक्षाएं अगले 2 दिन तक नहीं चलेंगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसको लेकर 10 अपडेट्स पर नजर डालते हैं। दिल्ली और पड़ोसी शहरों में अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो की ट्रेन 3 नवंबर से 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। डीएमआरसी ने एक और बयान में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरपी का तीसरा चरण लागू होने के मद्देनजर डीएमआरसी 3 नवंबर 2023 से अपने नेटवर्क पर ट्रेन के 20 अतिरिक्त फेरे लगवाएगी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गुरुवार को शाम 5 बजे 402 पर था, जिसके बाद केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना का तीसरा चरण लागू किया, जिसे हम GRAP यानी ग्रैप के नाम से भी जानते हैं। सर्दी के मौसम के दौरान दिल्ली NCR में यह अक्सर लागू किया जाता है। MCD ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के मुताबिक यह फैसला लिया गया कि दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में सभी MCD और MCD सहायता प्राप्त स्कूलों में 3 और 4 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित की जाएंगी। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। दिल्ली के 37 निगरानी स्टेशन में कम से कम 18 में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में ये 439 था, जबकि द्वारका सेक्टर 8 में 420, जहांगीरपुरी में 403, रोहिणी में 422, नरेला में 422, वजीरपुर में 406, बवाना में 432, मुंडका में 439, सारण विहार में 452 और न्यू मोतीबाग में 406 सहित शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। जिन क्षेत्रों में AQI 400 को पार कर गया है उनमें आनंद विहार 450 के साथ, बवाना 452, बुराड़ी क्रॉसिंग 408, द्वारका सेक्टर 8 445, जहांगीरपुरी 433, मुंडका 460, NSIT द्वारका 406, नजफगढ़ 414, नरेला 433, नेहरू नगर 400, न्यू मोतीबाग 423, सोखला फेज 2 415, पटपड़गंज 412, पंजाबी बाग 445, आरकेपुरम 417, रोहिणी 454, शादीपुर 407 और वजीरपुर 435 शामिल है। बता दें कि 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर जरूरी निर्माण गतिविधि पर रोक लगा दी है, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम शामिल है। शहर में डीजल ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू करने पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है। उन्होंने बताया कि GRP के तीसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा के लिए शुक्रवार को दोपहर 12 बजे सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है। रविवार को पंजाब में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में 740% की बढ़ोतरी देखी गई। पूरे राज्य में पराली जलाने की 1068 घटनाएं दर्ज हुई, जो मौजूदा कटाई के मौसम में एक दिन में सबसे ज्यादा है। पराली जलाने की घटनाओं को उपग्रह चित्रों में भी देखा गया। ऐसे में आप सभी से अपील है कि प्रदूषण से बचने के लिए अपना खास ख्याल रखें और सार्वजनिक परिवहन का ही इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।